साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इंडिया जीके की क्लास है, प्रमुख क्रांति और उनके जनक हम पढ़ेंगे। प्रमुख क्रांति और उनके जनक, देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। क्रांति वो 1857 वाली क्रांति नहीं, कुछ जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आपने पढ़ी होंगी। उनके जनक और उनके उद्देश्य क्या थे और किस तरह उन्होंने, उन क्रांतियों ने भारत को समृद्ध बनाया है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो लगभग 8 से 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगी, मेरे हिसाब से तो 5 से 6 मिनट की बनेगी, लेकिन एक नंबर आपका एग्ज़ाम में पक्का करके जाएगी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी क्रांति, पीली क्रांति की बात आती है। पीली क्रांति, पीली क्रांति क्या पूछता है, अक्षेत्र पूछता है, खाद्य तेल और तिलहनों फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तिलहन और तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य क्या था। किसी भी क्रांति को करने का उद्देश्य पूछेगा हमसे एग्जामिनर, तो खाद्य तेल और तिलहन के उद्देश्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब बात है कि तथ्य क्या है कि भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, इसका जो परिणाम हुआ। अब सबसे तीन चीज़ें होंगी, एक तो उद्देश्य होगा, एक इसका तथ्य यानी कि परिणाम क्या रहा, एक होगा जनक। सबसे इम्पोर्टेंट जनक पूछता है, तो सैम पित्रोदा के नाम से इसे जाना जाता है, भारत में पीली क्रांति का जनक। तो देखिए नाम से पता चलता है तिलहन, तिलहन पीले होते हैं ना, पीले जैसे सरसों पीली होती है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अब बात आती है सिल्वर क्रांति की, किसकी क्रांति दोस्तों, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति की जब भी बात आएगी तब हम पढ़ेंगे। अक्षेत्र, देखिए भारत में अंडे और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाना, भारत में अंडों और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाना। अब जैसे हम बात करेंगे, एक देश है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मुर्गी 295 अंडे देती है एक साल में, जबकि भारत में एक वर्ष में 65 अंडे देती है एक मुर्गी। तो भारत में आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, पूछे तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक अंडे का कौन है, आंध्र प्रदेश है। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, अंडे उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता। जैसे मुर्गी फार्म पे लोन मिलता है ना, गांव-गांव में मुर्गी फार्म लगे हुए हैं, तो इसकी, सिल्वर क्रांति का जनक भारत में किसे माना गया है, इंदिरा गांधी को माना गया है। किसे माना गया है दोस्तों, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। देखिए नीली, नीली मछली होती है, मछली उत्पादन से की वृद्धि के लिए चलाई गई थी, तो इसका उत्पादन का इफेक्ट क्या हुआ, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, 95.8 लाख टन, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़े सेकंड नंबर पर आया भारत मछली उत्पादन में, सेकंड नंबर पर आया। और नीली क्रांति का जनक अगर पूछे, अरुण कृष्णन के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका जनक। देखिए तीन चीज़ें मैंने कहा था, सबसे पहले अगर कोई क्रांति हुई तो वो किस अक्षेत्र से संबंधित है, नीली मछली से, पीली तेल से, सिल्वर अंडे से। तो 2013-14 में 95.8 लाख टन उत्पादन हुआ, इसका जनक कौन है, अरुण कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति, देखिए काला क्या होता है, कोयला होता है, क्या होता है, कोयला, और कोयले के साथ एक चीज़ जुड़ती है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनाथोल का उत्पादन भी बढ़ाया गया, इसका संबंध कोयले उत्पादन से भी है। तो काला कोयला होता है, कोयला और पेट्रोलियम खनिज तेलों में मापा जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य था, पेट्रोल को क्या था, बायोडीजल बनाने का लक्ष्य, 10% एथेनॉल इसमें मिलाकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कृपया आप अपने फैक्ट कमेंट करें, जो चीज़ आपको चाहिए है, इस चीज़ की आपको क्लास चाहिए वो भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति, हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति तो आपने बहुत सबने सुनी हुई है, 1966 के दौरान आई थी, 1965-66 के। अक्षेत्र कृषि से संबंधित है, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। स्वामीनाथन M.S. स्वामीनाथन इनके जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के। तो गेहूं और धान की पैदावार में इंद्रधनुषी क्रांति, देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है, 7 रंग होते हैं, तो इसमें
हरा, पीला, नीला, गुलाबी, लाल, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य इंद्रधनुषी क्रांति, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें हरी क्रांति। तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा गया। तो इसका क्षेत्र कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलना इसका क्षेत्र का मतलब महत्व रहेगा। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू करा गया था, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी साथियों को समझ आ रहा है दोस्तों। सुनहरी क्रांति, कौन सी क्रांति दोस्तों? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का क्षेत्र देखिए बागवानी क्षेत्र से संबंधित है, बागवानी उत्पादन की वृद्धि से है इसका संबंध, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, शहद उत्पादन से भी जुड़ा है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% का योगदान देता है। जीडीपी का में उत्पादन में बागवानी उत्पादन कितना योगदान देता है? 31%। भारत सब्जी और फल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है दोस्तों? दूसरे नंबर पर है फलों और सब्जियों पर। किस राज्य में कितना उत्पादन होता है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से जो। और इसका अगर पूछे स्वर्णिम क्रांति, सुनहरी गोल्डन रिवोल्यूशन का, तो अगर पूछे जनक कौन है, निरपक तुतेज का नाम से जाना जाता है इनको। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन, प्याज और झींगा, जैसे गंठा जो होता है ना, प्याज जो होता है उसकी ऊपरली परत क्या होती है? पिंक होती है, और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादन करने वाला देश बन गया। गुलाबी क्रांति का जनक पूछे तो दुर्गेश पटेल के नाम से ही से आप नोट कर सकते हैं, उनसे दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दो ही रह गई बस। श्वेत, देखिए श्वेत क्या होता है? दूध जो होता है ना सफ़ेद, तो दूध के उत्पादन से शुरुआत हुई थी 1964-65 से, जिससे आगे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड तो वैसे बाढ़ होती है, लेकिन एक किस्म से दूध को उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाया गया, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। इसका जनक किसे है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत वर्ग, किसान को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध बढ़ाना, मतलब खेती के नए नए तरीकों को लेके आना, इसके माध्यम से देश पूरी तरह खाद्यान्न से निर्भर बनाना था इसका उद्देश्य। अब बात करें भारत में सदा श्री स्वामीनाथन जी को ही इसका जनक माना जाता है, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्नों में बहुत ही आत्मनिर्भर बन गया और देश में बहुत बड़े शक्ति के तौर पर उभरा भारत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को। थैंक यू एंड लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना।